हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर वुड हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, प्रैक्टिकली बताइए। गाइस, वुड एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे यूजेज हैं, बट सिर्फ वुड हैव अगर पूछा गया है तो मैं आपको कंडीशनल थर्ड के बारे में बता सकता हूँ कि कंडीशनल थर्ड में वुड हैव का इस्तेमाल कैसे होता है। गाइस, कंडीशनल थर्ड का मतलब है कि आप पास्ट की बात करते हैं। जैसे आपको समझाता हूँ, पास्ट की आप बात करते हैं कि पास्ट के अंदर आपने कुछ किया। मान लीजिए कि आपने पास्ट के अंदर, अगर मैं बोलूं कि आपने ये पौधा लगाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये पौधा है और आपने इसको पास्ट में पौधा लगाया, और अगर आपने इसमें वाटरिंग नहीं की होती, पानी नहीं दिया होता, तो आज इतना ये ग्रो नहीं हुआ होता। तो अब मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम है मेरा, और मैं इस पौधे को देख कर कह रहा हूँ कि यार अगर मैंने इसमें पानी नहीं दिया होता, अगर मैंने वाटरिंग नहीं की होती, तो आज ये ग्रो नहीं हुआ होता। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं फिर उसी पास्ट में जा रहा हूँ, प्रेजेंट में हूँ, लेकिन मैं पास्ट के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ। तो इमेजिनेशन है, यानी कि अभी मैंने पौधा पास्ट में लगाया, ये ग्रो भी कर चुका है, सब कुछ ठीक है। अब मैं फिर से पास्ट में जाकर कि अब ये कल्पना करूँ जो सच नहीं है, उस पर मुझे सोचना है कि अगर मैंने इस पौधे को वाटर नहीं किया होता, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इफ़ आई हैड नॉट वाटर्ड दिस प्लांट। वाटर अपने आप में वर्ब भी है, नाउन भी है, तो आप वाटर को थर्ड फॉर्म में लेंगे। इफ आई हैड नॉट, आपको हैड का इस्तेमाल करना होता है, जो आप फर्स्ट कंडीशन बोलेंगे दोस्तों, उसमें आपको हैड का और वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। नेगेटिव है, तो मैं कह रहा हूँ कि इफ आई हैड नॉट वाटर्ड दिस प्लांट, अब जो अगला होगा उसके अंदर आपको वुड हैव लगाना है। दिस प्लांट वुड नॉट हैव ग्रोन अप, ये ग्रो नहीं हुआ होता, दिस प्लांट वुड नॉट हैव ग्रोन अप। तो आप समझ पा रहे हैं क्या है, आप प्रेजेंट के अंदर रहो और आप पास्ट के किसी सिचुएशन में जाओ और वहां पर आप इमेजिनेशन करो कि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर ऐसा हुआ होता, ये आपका कंडीशन है। एग्जांपल के तौर पे, अगर एक बंदा वो टेंथ में फेल हो गया, ओके, तो अब वो कह रहा है यार मेरे पिताजी ने उस जमाने में कहा था कि बेटा मेहनत कर ले, तो अगर मैंने मेहनत की होती ना तो मैं टेंथ पास हो गया होता यार। तो अब वो क्या है, वो प्रेजेंट में खड़ा है, लेकिन वो सोच किस बारे में रहा है, पास्ट के बारे में सोच रहा है, और पास्ट के बारे में इमेजिनेशन कर रहा है कि जो अब हुआ नहीं, मतलब वो अब सत्य नहीं है, उसके बारे में सोच रहा है कि अगर मैंने मेहनत की होती, उसने मेहनत तो की नहीं। अब कह रहे हैं इफ आई हैड वर्कड हार्ड और इफ आई हैड स्टडीड अ लॉट, मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड। यानी कि आपको क्या ख्याल रखना है, हैड के साथ वर्ब थर्ड, जो आप कंडीशन लगाओगे इफ वाला, और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में आपको विल नहीं लगाना है, वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड लगाना है, ओके। और एग्जांपल्स देखते हैं इधर उधर। गाइस, आई कैन शो यू वन मोर एग्जांपल हियर, आप यहाँ पर देखिए, इस पेड़ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, यू नो, आप ये देख रहे हैं, ये जो भी है आर एस लिखा हुआ है। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके पास्ट में जाऊं और मैं वहां पर कल्पना करूं, इमेजिनेशन, मैं बोलूं कि यार अगर मैंने ये नहीं लिखा होता ना तो आज ये इतना खूबसूरत नहीं होता, यू नो, अगर मैंने इसे नहीं लिखा होता, तो इफ़ आई हैड नॉट रिटन माई नेम हेयर, मान लीजिए मेरा नाम है, मैं कह रहा हूँ कि इफ़ आई हैड नॉट रिटन माई नेम हेयर, ये इतना खूबसूरत नहीं होता, इट वुड नॉट हैव बीन सो ब्यूटिफुल। यहाँ मैंने बीन लगा दिया, शायद आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, एक्चुअली बी मतलब होना, आपको वुड हैव तो लगाना है, वुड हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। जैसे ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। तो मुझे बोलना है कि इतना खूबसूरत नहीं हुआ होता, उस होने के लिए मुझे बी लगाना है। जैसे अगर मैंने नहीं खाया होता तो मैं क्या बोलूँगा, आई वुड नॉट हैव ईटन, तो खाने के लिए ईट का ईटन करना पड़ा, तो ये हुआ होता तो होने के लिए बी का बीन करना है, तो इट वुड नॉट हैव बीन सो ब्यूटिफुल। समझ पा रहे हैं आप, और देखते हैं। गाइज, यू कैन सी दिस ट्रैश हेयर, ये डस्टबिन है, इसको ट्रैश बिन भी कह सकते हैं, तो ये आप डस्टबिन आप देख रहे हो। अब मुझे बोलना है कि देख भाई, यहाँ पर ना ये डस्टबिन है, अगर मैंने ये डस्टबिन यहाँ पर नहीं रखा होता ना, तो लोग ना यहाँ पर कचरा फेंक रहे होते, यहाँ पर फेंक रहे होते। अब ये मुझे इंग्लिश में बोलना है, प्रेजेंट में ये है, लेकिन मैं पास्ट में जाकर के ये कल्पना कर रहा हूँ कि अगर ये नहीं मैंने रखा होता तो क्या होता भाई, तो रिजल्ट ये होता कि लोग ना कचरा यहाँ पर फेंक रहे होते। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा कि इफ़ आई हैड नॉट पुट दिस
डस्टबिन हेयर या ओवर हेयर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ आई हैड नॉट पुट दिस डस्टबिन ओवर हेयर, अब रिजल्ट क्या है, पीपल वुड हैव तो आपको लगाना है. अब आपको कंटिन्यूटी दिखाना है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको बीन फिर लगाना होगा, वर्ब में आईएनजी लगाना होगा. पीपल वुड हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेजेस हेयर एंड देयर, वुड हैव बीन थ्रोइंग, पीपल वुड हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेजेस हेयर एंड देयर, यानी कि लोग गार्बेज को यहाँ वहाँ फेंक रहे होते, यहाँ वहाँ डाल रहे होते, लिटरिंग कर रहे होते. पीपल वुड हैव बीन लिटरिंग हेयर एंड देयर, लिटर का मतलब भी कचरा डालना, इधर उधर फेंकना हो. तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जब आप रिजल्ट बोलते हैं ना, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड. वुड हैव के साथ बीन, जैसे कि मैं खूबसूरत हो गया होता, आई वुड हैव बीन हैंडसम, और शी वुड हैव बीन ब्यूटिफुल. और आई एन जी वाला भी आएगा कि यार लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे होते, पीपल वुड हैव बीन थ्रोइंग गार्बेजेज हेयर. मैं टहल रहा होता, आई वुड हैव बीन वॉकिंग. समझ पा रहे हैं आप? और देखते हैं गाइस, सी माय बाइसेप्स, दिस इज माय बाइसेप्स. इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द बाइसेप्स, इट मे बी 12 इंचेस और 12 एंड हाफ इंचेस, नॉट मोर देन दैट. अब ये प्रेजेंट, ये हकीकत, ठीक है, मैंने इसको पंप किया है, पंप के बाद ये है, ये हकीकत है. अब मैं पास्ट में जाऊँगा, अब कल्पना में करूँ, यार मैंने अगर 2004 में ही जिम ज्वाइन कर लिया होता, अगर मैंने खूब सारा एक्सरसाइज किया होता, तो ये ना 23 इंचेस का होता, 23 इंच का डोला होता. अब मैं क्या बोलूँगा भाई, इफ आई हैड, मुझे बोलना होगा इफ आई हैड ज्वाइंट जिम इन 2004, इफ आई हैड टेकन अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, यू नो, इफ आई हैड टेकन एक्सरसाइज, माय बाइसेप साइज वुड हैव बीन 23 इंचेस. वुड हैव बीन क्यों, बी मतलब होना, तो बी का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है. तो अब आई थिंक कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे कि वुड हैव का इस्तेमाल या वुड हैव बीन का इस्तेमाल या वुड हैव बीन के साथ आईएनजी वाला जो इस्तेमाल है वो रिजल्ट को दिखाता है कि ऐसा हुआ होता, ऐसा हो रहा होता. और जब आप कल्पना करेंगे तो उसके अंदर आपको हैड दिखाना होगा. समझ में आ रहा है? ओके. अगर मैंने उस लड़की को छेड़ा होता, मोलेस्ट किया होता, तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया होता, मुझे ये बोलना, मैं कैसे बोलूँगा, इफ आई हैड मोलेस्टेड दैट गर्ल, पुलिस वुड हैव अरेस्टेड. मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैंने उस लड़की को छेड़ा होता तो मैं जेल में होता. इफ आई हैड मोलेस्टेड दैट गर्ल, आई वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स. तो आई वुड हैव बीन क्यों, मैं जेल में होता, तो आई वुड हैव बीन मैं लगा. ओके. अगर मैंने वो महंगी वाली कार खरीद ली होती, इफ आई हैड परचेज्ड दैट एक्सपेंसिव कार, मैं उसे ड्राइव कर रहा होता, कंटिन्यूटी, I would have been driving that car. तो कुछ समझ में आया? तो आई थिंक इतना काफ़ी है, आप समझ गए होंगे. इसको बोलते कंडीशनल थर्ड. एक होता है कंडीशनल जीरो, कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकेंड, कंडीशनल थर्ड. तो कंडीशनल थर्ड में वुड हैव बीन का मैंने यूज़ कराया है. हालांकि वुड के बहुत सारे यूजेज हैं, तो मैं वो पहले भी अपने इस चैनल पर डाल चुका हूँ. आप फिर बोलेंगे तो मैं फिर उस पर वीडियोज बनाऊँगा. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग. Have fun. Thank you, guys.